सोलन में मौसम ने अचानक से करवट ले ली है। रात को हुई बारिश की वजह से तापमान में भारी गिरावट दर्ज की गई। दिन भर घने काले बादल छाए रहे। पिछले काफी समय से सोलन में बारिश नहीं हुई थी, जिसकी वजह से खेत सूखते जा रहे थे। प्राकृतिक जल स्रोतों में पानी का स्तर कम होता जा रहा था, जिसकी वजह से किसान बेहद परेशान थे। लेकिन आज हुई बारिश की वजह से जैसे सूखते खेतों को संजीवनी मिल गई है। प्राकृतिक जल स्रोतों में भी पानी का जल स्तर बढ़ गया है। किसान इस बारिश से खुश नजर आ रहे हैं। उनकी माने तो अगर कुछ दिन बारिश और होती है तो वे फसलों के लिए वरदान साबित हो सकती है। किसानों ने इस मौके पर कहा कि लगातार गर्मी पड़ने के कारण उनके खेत और फसल सूखती जा रही थी। सूखे के कारण फसलें कई तरह के रोगों की चपेट में आ रही थी, जिसके कारण किसानों को भारी नुकसान उठाना पड़ रहा था। लेकिन सोलन में हो रही बारिश की वजह से खेतों को नमी मिली है, जिसके कारण अब उनकी फसलें खराब होने से बच जाएंगी। उन्होंने कहा कि सिंचाई के प्राकृतिक स्रोत सूखने की कगार पर थे, लेकिन अब वे बारिश के कारण चार्ज हो गए हैं। उन्होंने कहा कि अगर बारिश कुछ दिनों तक होती रहती है तो वे फसलों के लिए बेहद लाभदायक सिद्ध होगी। सर, मेरा नाम अरुण है, मैं सोलन से बिलोंग करता हूँ, गांव से यहीं पे रहने वाला हूँ मैं, नज़दीक से। तो बारिश तो वैसे थोड़ी लेट हुई ना अभी, पर बारिश का ऐसा है कि अभी फसलें लगनी स्टार्ट ही हुई थी, बीमारियाँ बहुत थी, बहुत बढ़ गई थी। अभी हमारी फसलें स्टार्ट जब हुई लगानी तो बहुत सी बीमारियाँ लगी उसमें गर्मी के कारण ना, तो टिक नहीं पा रही थी जैसे फसलें कोई भी। तो अब बारिश हुई है तो अब इसका नेचुरल बात है कि फ़ायदा ज़रूर मिलेगा इसका किसानों को। काफ़ी टाइम से बारिश नहीं हुई थी ना, सूखा पड़ गया था पानी, जैसे हमारे पानी कूलों से आता है और वो भी सूख चुका था। तो अब मतलब पानी थोड़ा बढ़ गया है और पानी की समस्या थोड़ी दूर होगी, क्या फसलें ठीक होगी इससे, बीमारियाँ जो फसलों में लग रही थी वो भी कम होगी। और बीमारियाँ तो बहुत बढ़ गई थी सर गर्मियों से ना, तो बारिश वैसे कम हो रही है अभी, बारिश इतनी तो हुई नहीं है, पर होनी चाहिए बारिश ना, 3-4 दिन बारिश होनी हो जाए तो फसलों पे बहुत असर पड़ेगा इसका। खेती बाड़ी का है कि थोड़ी सी जो हमारी फसल है, जैसे टमाटर लगा है, शिमला मिर्च लगी है, उसके लिए बारिश फायदेमंद है। समस्या यही आ रही थी कि इसे एक तो पानी को पीने के लिए भी काफ़ी ज़्यादा समस्या थी, और दूसरा जो खेती बाड़ी के लिए थी, तो जो हमारी गेहूं की फसल थी, जौ की थी, इसके लिए तो काफ़ी नुकसान हो गया, क्योंकि ये बारिश कुछ पहले होनी चाहिए थी, अब हो रही तो अब इसका इतना ज़्यादा बेनिफिट नहीं है।